जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर का वैकेंसी निकला हुआ है और उसके कंप्लीट फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो यहां पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके साथ में कि टोटल यहां पर कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो ये बिल्कुल बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। आप अपनी SSO ID खोलकर भी चेक कर सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट से हैं आपकी और आप किस कैटेगरी से हैं, आपकी सब्जेक्ट में आपकी कैटेगरी में कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये आप बिल्कुल अपनी SSO ID को खोलकर चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल फुल डिटेल से शॉर्ट वे में आपको समझाऊंगा। आप SSO ID को खोलोगे, फिर वहाँ चेक करोगे, उसमें टाइम लगेगा। तो उसके बजाय आप इस वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो ये देखो 22/6/2022 को ये अपलोड किया गया है और ये इस तरीके से पेज है। मैंने इसका जो पहला पेज है उसको एक प्रूफ के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर ये कहाँ पर है, तो ये मैंने एक प्रूफ के लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो यहाँ पर मैं भी जो भी आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, बिल्कुल वैलिड प्रूफ के साथ जो मैंने आपको बता दिया। और यदि इस वैकेंसी के संबंध में राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड दोनों की वैकेंसी हैं, थर्ड ग्रेड की भी हैं, तो इन तीनों वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी नई जानकारी निकल कर आती है और उनसे आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो देखो लगभग नहीं, फिक्स बता रहा हूँ मैं, टोटल 12,28,203 फॉर्म भरे गए हैं। कितने? 12,28,203 फॉर्म है टोटल। यहाँ पर ये जो पीछे के डिजिट है इसमें थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि मैंने पंजाबी सब्जेक्ट में एक अनुमान लगाया, पंजाबी सब्जेक्ट का मेरे को फिक्स नहीं, वैसे फिक्स वहाँ पर मैं चेक कर सकता था लेकिन इतना टाइम नहीं था, थोड़ा मेरे को जल्दी वीडियो अपलोड करना था, इसलिए पंजाबी में मैंने एक अनुमान लगाया कि लगभग 10,000 के आसपास फॉर्म है पंजाबी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आंकड़ा पंजाबी की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। देखो, मैथ सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी की बात करें तो मेल टोटल 24,311 फॉर्म थे, फीमेल से टोटल 16,392 फॉर्म थे, और ओवरऑल टोटल की बात करें अदर को काउंट करके यदि हम ओवरऑल टोटल की बात करें तो 40,772 फॉर्म थे जनरल कैटेगरी से। EWS में मेल के फॉर्म थे 95,143, फीमेल के फॉर्म थे 5,576, और यदि हम टोटल लगाएं, ध्यान रखना इस टोटल में अदर कैटेगरी के फॉर्म भी शामिल है, जैसे विधवा, डाइवर्स, इन सभी के फॉर्म भी शामिल होते हैं, तो ये टोटल थे 15,122। फिर यदि हम बात करें MBC में, MBC में मेल के फॉर्म थे 2,926, फीमेल के फॉर्म थे 733, और अदर को काउंट करते हुए टोटल फॉर्म में MBC से 3,659 फॉर्म। OBC में मेल के फॉर्म में 34,859, फीमेल के फॉर्म में 18,385, और OBC में अदर को काउंट करते हुए टोटल फॉर्म में 53,245। SC में मेल के फॉर्म में 99,67, फीमेल के फॉर्म में 39,004, और टोटल फॉर्म है अदर को काउंट करते हुए 13,872। और यदि यहाँ पर हम ग्रांड टोटल की और इसके अलावा ST की बात करें तो ST में मेल के फॉर्म में 6,967, फीमेल के फॉर्म में 3,450, अदर को काउंट करते हुए ST कैटेगरी में टोटल फॉर्म है 10,417, और ग्रांड टोटल निकाला जाए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में टोटल फॉर्म निकाली जाए तो वो है 1,22,292 फॉर्म, ठीक है। ये था मैथ का आंकड़ा। साइंस में जनरल में मेल के फॉर्म थे 18,504, फीमेल के फॉर्म थे 23,311, यदि हम अदर को काउंट करते हुए टोटल फॉर्म देखें तो वो थे 41,820। EWS में मेल के फॉर्म थे 7,714, फीमेल के फॉर्म थे 8,058, और टोटल फॉर्म थे 15,772 जिसमें अदर भी शामिल हैं। MBC में मेल के फॉर्म थे 2,335, फीमेल के फॉर्म थे 1,702, टोटल फॉर्म थे 4,037 जिसमें टोटल अदर के फॉर्म भी शामिल हैं। इसके अलावा OBC में बात करें, OBC में मेल के फॉर्म हैं 26,036, फीमेल के फॉर्म हैं 32,848, टोटल फॉर्म में 58,892 अदर को शामिल करते हुए। SC में मेल के फॉर्म में 11,412, फीमेल के फॉर्म में 9,992, टोटल फॉर्म में 21,406, टोटल को काउंट करते हुए।
एस टी में मेल के फॉर्म है 8,062, फीमेल के फॉर्म है 6,384, टोटल फॉर्म है 14,447 जिसमें हमने टोटल को भी काउंट किया। और यदि हम ग्रांट टोटल निकाला जाए तो ये निकल कर आता है 141,065 फॉर्म। तो 141,065 फॉर्म भरे गए हैं साइंस सब्जेक्ट से। फिर हम बात करें हिंदी में, देखो हिंदी में जनरल में मेल के फॉर्म थे 18,017, फीमेल के फॉर्म थे 36,920, टोटल फॉर्म थे अदर को काउंट करते हुए 54,983। ईडब्ल्यूएस में मेल के फॉर्म है 9,522, फीमेल के फॉर्म है 17,802, टोटल फॉर्म है 27,332 जिसमें अदर भी इंक्लूड है। एमबीसी में मेल के फॉर्म है 6,694, फीमेल के फॉर्म है 5,734, टोटल फॉर्म है 12,231 जिसमें हमने अदर को भी इंक्लूड कर लिया है। ओबीसी में मेल के फॉर्म है 43,735, फीमेल के फॉर्म है 73,230 और टोटल फॉर्म है 116,988 जिसमें हमने अदर को भी शामिल कर लिया। एससी में मेल के फॉर्म है 30,411, फीमेल के फॉर्म है 32,619, टोटल फॉर्म है 63,043 जिसमें अदर को भी काउंट कर लिया। एसटी में मेल के फॉर्म है 25,313, फीमेल के फॉर्म है 27,804, टोटल फॉर्म है 53,131 जिसमें हमने अदर को भी शामिल कर लिया। ग्रांट टोटल निकाला जाए तो निकल कर आता है 3,13,094 फॉर्म। ठीक है, अब हम बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में जनरल मेल के फॉर्म है 9,260, फीमेल के फॉर्म है 18,623, टोटल फॉर्म है 27,886 अदर को काउंट करते हुए। ईडब्ल्यूएस में मेल के फॉर्म है 3,935, फीमेल के फॉर्म है 6,902, टोटल फॉर्म है 10,839 अदर को काउंट करते हुए। एमबीसी में मेल के फॉर्म है 1,364, फीमेल के फॉर्म है 897, टोटल फॉर्म है 2,261 अदर को शामिल करते हुए। ओबीसी में मेल के फॉर्म है 13,887, फीमेल के फॉर्म है 18,581, टोटल फॉर्म है 32,476 अदर को काउंट करते हुए। एससी में मेल के फॉर्म है 7,003, फीमेल के फॉर्म है 5,323, टोटल फॉर्म है 12,326 अदर को काउंट करते हुए। एसटी में मेल के फॉर्म है 5,736, फीमेल के फॉर्म है 4,609, टोटल फॉर्म है 10,346 अदर को काउंट करते हुए और टोटल फॉर्म है इंग्लिश में 85,672। ठीक है, संस्कृत में जनरल में मेल के फॉर्म है 13,122, फीमेल के फॉर्म है 21,674, टोटल फॉर्म है अदर को काउंट करते हुए 34,808। ईडब्ल्यूएस में मेल के फॉर्म है 7,299, फीमेल के फॉर्म है 9,829, टोटल फॉर्म है 17,132 अदर को काउंट करते हुए। एमबीसी में मेल के फॉर्म है 2,426, फीमेल के फॉर्म है 2,167, टोटल फॉर्म है 4,596 अदर को काउंट करते हुए। ओबीसी में मेल के फॉर्म है 14,021, फीमेल के फॉर्म है 24,310, टोटल फॉर्म है 38,343 अदर को काउंट करते हुए। एससी में मेल के फॉर्म है 10,441, फीमेल के फॉर्म है 8,825, टोटल फॉर्म है 19,271 अदर को काउंट करते हुए। एसटी में मेल के फॉर्म है 13,507, फीमेल के फॉर्म है 13,972, टोटल फॉर्म है 27,493 अदर को काउंट करते हुए और टोटल फॉर्म है संस्कृत में 1,24,892। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस की, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म है। जनरल में मेल के हैं 30,104 फॉर्म, फीमेल के फॉर्म है 41,808 फॉर्म, टोटल फॉर्म है अदर को काउंट करते हुए 71,927। ईडब्ल्यूएस में मेल के फॉर्म है 15,122, फीमेल के फॉर्म है 19,260, टोटल फॉर्म है 34,387 अदर को काउंट करते हुए। ओबीसी में मेल के फॉर्म है 87,470, फीमेल के फॉर्म है 94,174, टोटल फॉर्म है 181,688 अदर को काउंट करते हुए। एमबीसी में मेल के फॉर्म है 11,709, फीमेल के फॉर्म है 6,519, टोटल फॉर्म है 18,232 अदर को काउंट करते हुए। एससी में मेल के फॉर्म है 98,944, फीमेल के फॉर्म है 37,554, टोटल फॉर्म है अदर को काउंट करते हुए 86,510। एसटी में मेल के फॉर्म है 41,181, फीमेल के फॉर्म है 31,344, टोटल फॉर्म है 72,539 अदर को काउंट करते हुए। और हिंदी में सोशल साइंस में एसएस में ओवरऑल टोटल फॉर्म है 4,32,318 ग्रांड टोटल। अब हम उर्दू की बात करें। उर्दू में जनरल में मेल के फॉर्म है 1,288, फीमेल के फॉर्म है 1,539, टोटल फॉर्म है 2,827
अदर को काउंट करते हुए। ईडब्ल्यूएस में मेल के 576, फीमेल के 792 फॉर्म है, टोटल फॉर्म 1368 हैं। एमबीसी में मेल के फॉर्म 83 हैं, फीमेल के फॉर्म 26 हैं, टोटल फॉर्म 109 हैं। ओबीसी में मेल के फॉर्म 3541 हैं, फीमेल के फॉर्म 3240 हैं, टोटल फॉर्म 6783 हैं। अदर को काउंट करते हुए एससी में मेल के फॉर्म 275, फीमेल के फॉर्म 147, टोटल फॉर्म 422 हैं। एसटी में मेल के फॉर्म 232 हैं, फीमेल के फॉर्म 136 हैं और टोटल फॉर्म 369 हैं अदर को काउंट करते हुए। और उर्दू में टोटल फॉर्म है 10572 और पंजाबी में टोटल फॉर्म है लगभग 10,000। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पंजाबी का बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, जो मैं अभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अलग से स्पेशल। अब देखो, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जल्द ही बताने वाला हूँ 2022 के अकॉर्डिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इससे पहले की जो वैकेंसी थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, कितने फॉर्म भरे गए थे, अब की बार कितने फॉर्म हैं, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, हमें कितना टारगेट लेके चलना चाहिए पिछली बार की तुलना में। ठीक है, इसके अलावा इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी नया अपडेट निकलता है एग्जाम के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, कैसा भी, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय। और हाँ, वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक भी करें।